हिंदू मुसलमान में यह बात जानी नहीं चाहिए थी। और जिस तरीके से नंबरदार जी बोल रहे हैं, मैं समझ ठीक नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है। ये मजबूत धर्मों के अंदर की कोशिश करना, एक रास्ता चल रहा है अमन शांति का, क्या पंजाब के अंदर 10 साल गवर्नर रूल रहा, हमने देखा गोली का जवाब गोली दिया जाता, आखिर में लोकतंत्र आया, अमन शांति पंजाब में आया, आया या नहीं मुझे बताइए। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर ये आपस में बातचीत करके एक लोकतंत्र आता है तो किसी को क्या तकलीफ है, किसको क्या तकलीफ है बोलना चाहता। क्या मिशन कश्मीर से डरे आतंकी, सीधा सवाल ताल ठोक के, मिशन कश्मीर से डर गए आतंकवादी? जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की कायराना करतूत सामने आई। नौगाम में आतंकवादियों ने इंस्पेक्टर की पीठ पर गोली मारकर हत्या की, पीठ पर। ये तस्वीरें देखिए आप, बहुत ध्यान से इन तस्वीरों को देखिएगा, फुल स्क्रीन ये तस्वीरें आपके लिए। इंस्पेक्टर अहमद डार आगे की तरफ बढ़े, पीछे से दो आतंकवादी आए और पीठ पर गोली मारी है, पीछे से हमला किया, सामना करने की हिम्मत नहीं थी इन आतंकवादियों की। ऐसा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा सा सवाल रहेगा, मिशन कश्मीर से घबराए आतंकवादी ललित अंबरदार, कश्मीरी पंडित मेरे साथ इस वक्त हैं। एमएस बिट्टा, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन लाइव हैं। बिट्टा साहब, मिशन कश्मीर से डरे आतंकवादी, वही डर, वही बौखलाहट। आपको याद होगा अमन जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हिंदुस्तान की अमन और शांति के लिए पाकिस्तान में गए थे तो क्या हुआ था, चंबा के पास 25 के करीब बेगुनाह लोगों की हत्या कर दी गई। जब नरेंद्र मोदी जी अमन शांति का संदेश लेकर के पाकिस्तान में, कभी सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जाएंगे, जब पाकिस्तान सोच सकता कि नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाएंगे, जहां हिंदुस्तान के लोग हमारे जैसे लोग सोचेंगे? पर उन्होंने बताया हिंदुस्तान या पाकिस्तान हो, हम अमन शांति चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं। दुबई से सीधा पाकिस्तान गए नवाज शरीफ के साथ, क्या हुआ, अमन शांति का एक रास्ता चला। वहां की सरकारें कुछ नहीं है, वहां की ISI मजलूमों का कत्लेआम करती है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो। क्या हुआ, दीनानगर की घटना, क्या वो शांति का जो संदेश था, जो अमन शांति लाना चाहते थे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, उसके बाद वहां पे कितना बड़ा हमला किया और उसके बाद गोली फिर ऐसी निकली पाकिस्तान की तरफ, फिर गोली मुड़के वापस नहीं आए, तिरंगे झंडे जलाए जाते थे। महबूबा मुफ्ती कहती थी जहां तिरंगा झंडा लहराया जाएगा तो आग लग जाएगी, आज तिरंगा झंडा भी लहराया जा रहा है जनाब, और जवानों के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, जवानों के ऊपर गोलियां चलाई जाती थी। आज अगर अमन शांति का संदेश एक लोकतंत्र लाने के लिए वहां की पॉलिटिकल पार्टियां यहां आई तो हमारा स्वागत है, हम आज उस बहस में नहीं पड़ेंगे। पर जो लोग महबूबा मुफ्ती जैसे पाकिस्तान का गीत गाते हैं, वो पाकिस्तान खुद उजड़ा हुआ पाकिस्तान, चाइना के इशारों के ऊपर चलने वाला, चाइना के टुकड़ों के ऊपर चलने वाला पाकिस्तान, उसके गीत गाते हैं। क्यों कहा महबूबा ने, क्या हिंदुस्तान के अंदर क्या कश्मीर का झगड़ा है कोई, कश्मीर हमारा है, ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। एक तो क्लियर कर दिया 370 धारा हटा करके, दूसरा हम लेके रहेंगे, इनके बोलने से क्या होता है, ये तो कुछ भी राजनीतिक लोगों को खुश करने के लिए, अपने पब्लिक को खुश करने के लिए, पाकिस्तान को खुश करने के लिए बोल देते हैं, इसका कोई असर होने वाला नहीं है। जो पाकिस्तान की पब्लिक को खुश करेंगे महबूबा मुफ्ती, वो अगर कहेंगे कश्मीर पर पाकिस्तान से भी बात करो, और यहाँ पाकिस्तान कश्मीरियों का खून बहा रहा है, पाकिस्तान नहीं, 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 आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं? एक मिनट बिट्टा साहब, आराम से हम समझेंगे इसको। बिट्टा साहब एक मिनट, देखो कल की बैठक, देखो अमन जी, कल की बैठक, कल की बैठक, एमएस बिट्टा, अमन जी बड़े अच्छे तरीके से इस डिबेट की चर्चा चल रही थी, कल का जो डेलीगेशन वहां पे आ रहा है, हिंदू मुसलमान में ये बात जानी नहीं चाहिए थी, और जिस तरीके से नंबरदार जी बोल रहे हैं, मैं समझ ठीक नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है ये, मजबूत धर्मों के अंदर की कोशिश करना, एक रास्ता चल रहा है अमन शांति का, क्या पंजाब के अंदर
10 साल गवर्नर रूल रहा, हमने देखा गोली का जवाब गोली दिया जाता, आखिर में लोकतंत्र आया, शांति पंजाब में आया या नहीं, मुझे बताइए। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आपस में बातचीत करके एक लोकतंत्र आता है तो किसी को क्या तकलीफ है, किसको क्या तकलीफ है, बोलना चाहता हूँ। मजबो धर्मों के अंदर जहर फैलाने की कोशिश करते हैं, नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, बिल्कुल गलत है। क्या चाहते हो आप बताओ, कि वहाँ पे सारे मुसलमानों को बताना चाहता हूँ, कि सारे मुसलमानों को अगर नरेंद्र मोदी और वहाँ का जो डेलीगेशन बातचीत कर तो फिर साहब ललित अम्बरदार, आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। आप दोनों आतंकवादियों के खिलाफ आए डिबेट करने, आप दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं, ये मेरे को भी नहीं समझ आया। ललित अम्बरदार क्या गलत का अभिप्राय साहब, अमन भाई मैं कुछ कहना चाहता हूं। समित बोलिए 30 सेकंड, मुझे वाइंड अप करना है। जो रेपिस्ट है वो आपके भाई हो सकते हैं, मेरे नहीं भाई होंगे। जरा दोनों मेरे बड़े भाई शांत हो जाएं, तो मैं दोनों बड़े भाइयों से कहूंगा शांत हो जाए, मुझे 30 सेकंड दे। हां प्लीज 30 सेकंड। देखिए अमन भाई, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग हमारे देश के हितैषी हैं, बिट्टा साहब भी देश के हितैषी हैं और हमारे अम्बरदार ललित अम्बरदार जी भी देश के हितैषी हैं, देश के हितैषी कभी आपस में ना लड़े। आप मैंने कहा श्रद्धा और सबूरी सबर रखिए और श्रद्धा रखिए नेतृत्व के ऊपर, कहीं तो विश्वास रखना पड़ेगा ना। अगर हम कहीं भी विश्वास नहीं रखेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। अभी तक 370 एब्रोगेट हो सकता है, राम मंदिर बन सकता है, ये हमने कभी सोचा नहीं था। अम्बरदार साहब मैं बिल्कुल आपके घावों को समझता हूँ, आप बिल्कुल सत्य बता रहे हैं, मगर आप हम पे विश्वास रखिए, थोड़ा वक्त लगेगा।